नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेद आचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसे कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा मिलने वाला रोग है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, मिर्च मसाला खटाई, ज्यादा तेल की चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, टेंशन होना, व्यक्ति को काम के प्रति टेंशन होना, भविष्य के प्रति टेंशन होना, जॉब के प्रति टेंशन होना, चिंता होना, ये सब आजकल हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन रहा है। अब ऐसे समय पे इसके लिए बहुत सारी दवाइयां उपयोग की जाती हैं, जैसे एम्लोकाइंड और मालूम नहीं कितने प्रकार की दवाइयां इसके लिए यूज की जाती हैं, पर वो तुरंत लाभ देती हैं और जड़ से इस रोग को खत्म नहीं करती। चूंकि रक्त वाहिनियां सुकड़ जाती हैं और ब्लड का फ्लो तो उतना ही रहता है, तो यदि किसी पाइप को आप सुकोड़ देते हो और पानी का फ्लो उतना ही जा रहा है तो वह प्रेशर क्रिएट करेगा, तो इसे ही हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। परंतु यदि वही पाइप थोड़ा सा खुल गया और वहां पर पानी का फ्लो उतना ही जाता है तो उस पर कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तो ऐसे हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, ठीक है। परंतु यदि रक्त वाहिनियां ब्लड वेसल सुकुड़ गई हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, नैरो हो गई हैं और ब्लड जा रहा है उसी फोर्स से, तो प्रेशर क्रिएट करेगा। या फिर कहीं पर क्लॉट जमा हुआ हो, थक्का जमा है, अवरोध है, रुकावट है, ब्लड जा रहा है, ब्लड उस पर फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो इसका मुख्य कारण होता है जो हृदय से निकलने वाली रक्त वाहिनियां हैं और हृदय का जो कार्य होता है ब्लड को पंप करना, यदि वो अच्छे ढंग से नहीं होता है तभी ब्लड प्रेशर हाई होता है और हृदय तभी अच्छे से कार्य नहीं करता जब आप खान पान पे नियंत्रण नहीं रखते, यानी मिर्च मसाला खटाई, ज्यादा तेल की चीजें, बाहर का खाना, मैदा, बेसन, पार्टी, शराब, मांसाहार और नशा, यानी बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम जैसी चीजों का निरंतर सेवन करने वाले व्यक्ति को ये चीजें ज्यादा होती हैं। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खाता रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता, सोता ही रहता है और कर्मठ नहीं होता जो व्यक्ति, उसको ये रोग जरूर परेशान करते हैं। खासकर मोटे व्यक्तियों को ये रोग जरूर परेशान करता है। तो दोस्तों, इसका मैं तात्कालिक, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तुरंत बढ़ गया है, तो उसका तात्कालिक उपाय तो करना ही होगा आपको। तो तात्कालिक उपाय उसका ये है कि 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर यानी लगभग एक बड़ा कप पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़कर व्यक्ति को तुरंत पिला दीजिए। उसके 5-10 मिनट बाद उसका ब्लड प्रेशर जो है हाई से नीचे की तरफ आने लगेगा उसकी रेंज। फिर 2 घंटे बाद फिर पिला दीजिए ऐसा ही, फिर 2 घंटे बाद फिर पिला दीजिए, तो उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये हो गया तात्कालिक उपाय, आपको तुरंत करना है। अब इसका जो परमानेंट उपाय है वह क्या है, बिना दवा के, बिना किसी भी नुस्खे के आप कैसे इसको कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका परमानेंट उपाय है शवासन। सुनने में बड़ा आपको आसान लगता होगा ये शवासन नाम, आप सोचते होंगे ऐसे सीधे सो गए, पीठ के बल सो गए, सीधे हाथ जो है अपने जान के बाजू में रख लिया और एड़ियों को मिला लिया और ऐसे सीधे लेट गए, उसको शवासन कहते हैं? नहीं, जितना ये सुनने में आसान लगता है ये आसन, उतना सुनने में आसान तो लगता है परंतु उतना करने में आसान नहीं होता। इसको करना कैसे होता है, पहले आप शांति से लेट जाइए, सुबह, प्रातः और शाम को, सायं बेला में, 2 टाइम पे ये करना है। शांति से लेट जाइए, कोई भी विचार मन में नहीं होना चाहिए, सीधे लेट जाइए, पीठ के बल और हाथों को इस तरीके से अपने जांघों के बाजू में लगा लीजिए। अब पैर की एड़ियों को, दोनों एड़ियों को मिला लीजिए और पैर के आगे के पंजों को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से कर लीजिए और लेट जाइए। शांति से लेट जाइए, अपने शरीर को ढीला करना छोड़िए, ठीक है, ढीला करिए। सबसे पहले पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, धीरे धीरे घुटनों को ढीला छोड़िए, फिर कमर को ढीला छोड़िए, पेट को ढीला छोड़िए, सीने को ढीला छोड़िए, हाथ को ढीला छोड़िए और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए और चेहरे को और ललाट को ढीला छोड़ दीजिए। साथ में
बिल्कुल हल्का महसूस होने लगेगा आपको। साथ में दिमाग में कोई भी विचार ना आए, दिमाग को बिल्कुल न्यूट्रल रखिए, बिल्कुल शांत रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। यदि आंखें बंद करना चाहते तो और अच्छा है, आंखें बंद कर लीजिए और कम से कम 15 से 20 मिनट आपको सुबह शाम इसको करना है। और दोस्तों आप मिर्च मसाला, खटाई, ज्यादा तेल की चीजें बिल्कुल मत खाइए। मटर, बैगन, सहनी, भिंडी, मांसाहार, नशा, मैदा, बेसन, इनका सेवन मत करिए और निरंतर आप सवासन का प्रयोग करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महीने भर में ये ऐसी रिकवरी होगी जो किसी भी एम्लोडिपाइन या किसी भी ब्लड प्रेशर की गोली से आपको कभी नहीं हो सकती। और लगातार कुछ महीनों तक इसका प्रयोग करने पर आपका जो हाई ब्लड प्रेशर रूपी दुश्मन रोग है ना, हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, ये आपके शरीर को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, यानी ये आपके शरीर को घर नहीं बनाएगा, फिर आपके शरीर में नहीं आएगा। इसके साथ साथ होता यूं है कि जो हार्ट की नली है, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां हैं, वो अच्छे से खुल जाती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से होने लगता है और हार्ट प्रॉपरली पंप करने लगता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, नॉर्मल रेंज में रहता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति ऑफिस जाते हैं बहुत ज्यादा थक जाते हैं, काम करने में बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर होता है काम का, वो व्यक्ति यदि केवल एक टाइम अपना काम करके आते हैं, रात के सोने के पहले आप 20 से 25 मिनट शवासन कर लीजिए, इतनी बेहतर नींद आएगी और इतना ताजा महसूस करेंगे हर दिन, इतना उत्साह और उमंग और चेतना शरीर में रहेगी कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते, आप इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इतना बेहतर एक छोटा सा आसन आपको लाभ दे सकता है। तो दोस्तों जरूर इसका प्रयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्किल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिल सके। और दोस्तों ऐसे ही नुस्खे पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज्यादा से ज्यादा दबाएं, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए। तथा यदि किसी भी बीमारी की दवा आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, पूरी तरह स्वस्थ होना चाहते हैं, जड़ से उस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर अपनी सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, दिक्कत क्या क्या है, कब से है, रिपोर्ट की फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए। उसको देखने के बाद मैं आपको मैसेज करूंगा कि मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर मैं बताऊंगा कि कितने माह तक दवा चलानी है और जितने भी माह की आपको दवा बुलवानी है उसका एडवांस पेमेंट आपको करना पड़ेगा, एक दिन पहले, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। जो व्यक्ति मेरी बताई हुई दवा की कीमत को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अपनी अफोर्डेबिलिटी बता दें, अपनी लिमिटेशंस बता दें, अपनी जो क्राइटेरिया बता दें कि सर मैं 1000-1500 खर्च कर सकता हूं या इतना खर्च कर सकता हूं, वो लिख के भेज दीजिए, समस्या लिख के भेज दीजिए, फिर मैं आपको अकाउंट नंबर भेजूंगा, उस पर आपको 500 रुपये मेरी प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करनी है और वो प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करने के तुरंत बाद मुझे सूचित करें, मैं आपको आपकी लिमिट के अंदर जो भी आपकी आर्थिक स्थिति होगी, जो भी लिखेंगे आप 1000, 1500, 1500, 2000, उसके बीच में मैं आपको दवा लिखकर भेज दूंगा, जितनी भी आपका क्राइटेरिया रहेगा, जितना खर्च कर सकते हैं, और वो दवा आप अपने इलाके में किसी भी आयुर्वेदिक दवा की दुकान से खरीद सकते हैं और अपने बजट में, अपनी लिमिट में, अपने पैसों को बचाकर आप वो दवाइयां खरीद कर पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। तो दोस्तों ये विकल्प आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।